गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। शहीदों के सम्मान में स्मरणालय में बनेगा स्मारक, मंत्री ने किया भूमि पूजन। गढ़वा के नवनिर्मित स्मरणालय परिसर में शहीदों के सम्मान में स्मारक का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने पूजा अर्चना कर नारियल फोड़कर भूमि पूजन किया। यहाँ गढ़वा जिला के शहीद रामप्रीत ठाकुर, आशीष कुमार तिवारी एवं आशीष सिंह का नाम स्मारक बनाया जाएगा। मौके पर मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि किसी भी क्षेत्र का संपूर्ण विकास तभी माना जाएगा जब हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हो। अन्य विकास कार्यों के साथ साथ शहीदों को सम्मान देना भी जनप्रतिनिधि की एक जिम्मेदारी है। इसके तहत उन्होंने अटौला में शहीद द्वार का निर्माण कराया। अब स्मरणालय परिसर में शहीद स्मारक का निर्माण किया जाएगा ताकि लोगों को प्रेरणा मिल सके, साथ ही शहीदों का सम्मान भी होगा। मौके पर डीसी शेखर जमुआर, एसपी दीपक कुमार पांडे, डीडीसी पशुपति नाथ मिश्रा, शहीद रामप्रीत ठाकुर की पत्नी सनकलिया कुंवर, पुत्र ब्रिज मोहन ठाकुर, कृष्णा ठाकुर, शहीद आशीष तिवारी के पिता अरविंद तिवारी, माता झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे, जिलाध्यक्ष तनवीर आलम, सचिव मनोज ठाकुर, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रेखा चौबे सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए हर तरफ से लोगों को हर क्षेत्र में ध्यान रखा जाए, तभी हम कह सकते हैं कि पूर्ण विकसित क्षेत्र है, पूर्ण विकसित जिला है, पूर्ण विकसित राज्य है। और आज हमारा ध्यान सभी ओर रहता है। अभी कल ही हमने शहीद द्वार का हमने वहाँ पटौला में शिलान्यास लोकार्पण किया। और आज समाहरणालय भवन में पहले भी जो हमारे वीर सैनिक हैं उनके लिए हमने एक स्मारक वहाँ बनाया है। और आज भी जो हमारे गढ़वा जिले के जो वीर शहीद हैं, चाहे सीआरपीएफ से हों या अन्य बटालियन से या अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस से हों, जो हमारे आर्मी के लोग हैं जो शहीद हुए हैं विभिन्न अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए, उनके लिए आज फिर हम लोगों ने एक भूमि पूजन किया है। उनका उनके स्मृति में एक स्मारक बनाया जाएगा। ओम वनस्पति सुध भूतो गंधादि गंधुत्वम अग्रसर देवाणां धूपोहं प्रतीकताम। ओम चंद्रमा मनुषो जातः चक्षो सूर्यो जायतः श्रुतात् वायुश्च नगाय सुतिभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक रक्षका भक्तानां नमः सत्कम उत्कम प्रिया निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। ओम